please subscribe and hit the bell icon never to miss any update. दादा ये जो गाड़ी देख रहे हैं 1973 मॉडल का गाड़ी है, ये डिस्पोजल गाड़ी है, पन्नागढ़ से जो है कि खरीद करके लाए थे दादा बहुत पहले, उसके बाद बनवा करके बहुत दिन चलाए, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम था ये पॉइंट सेटिंग हमेशा कराना पड़ता था, और बीच बीच में इसका जो है कि स्टार्टिंग ट्रबल इतना हो जाता था कि जैसे बारिश हुआ उसमें, खास करके वेदर जैसे ठंडा हुआ उस समय, ठंडा के टाइम में बिना चोक लिए 10-20 की मारे बिना स्टार्ट नहीं होता था, ये सब प्रॉब्लम बहुत पहले से चला आ रहा था। किसी तरह से इससे जो है कि अभी नया ही बूढ़ोदार मिस्त्री से भेंट हुआ, हाँ तो इनसे बात हुआ तो ये बोले कि हम इसको टोटल इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, तो अभी वही इनसे कराया गया, जिससे जो है गाड़ी का पिकअप भी चेंज हो गया और स्टार्टिंग प्रॉब्लम अभी ऐसा हो गया कि आपका 12-13 साल का लड़का भी स्टार्ट करके निकल सकता है। जैसे कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग ट्रबल थी, इसके वजह से हमने इसका पॉइंट को हटा करके इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिए हैं। आइए अब हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मैंने प्रोग्रेस किया हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे पॉइंट रहता है, जैसे कि इस जगह पे पॉइंट है, आप देख लीजिए इसका पॉइंट का कनेक्शन हमने पूरा हटा दिया है। देख लीजिए ये पॉइंट का तार है, इसको मैंने पूरा ही बात दे दिया, ठीक है। और इधर पे एक पिकअप कोइल लगा करके, जिसे पिकअप कोइल बोलते हैं, ये पिकअप कोइल लगा करके इधर से एक कनेक्शन दे करके यहाँ पे मैंने CDI फिटिंग किया हुआ है। लेटर ये CDI फिटिंग करके और इसके टंकी का अंदर में स्टार्टिंग कोइल निकाले हैं हम लोग। इसका बोतल कोइल जो बोलते हैं ओल्ड मॉडल वाला, ओल्ड मॉडल का बोतल कोइल बाद देने का बाद में ये कोइल हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लासिक का देखिए ये ड्राई कोइल है जो प्लग को करंट देता है। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन यहाँ से ये पिकअप कोइल करंट देगी CDI को, और CDI करंट देगा बोतल कोइल को। बोतल कोइल से करंट देने का बाद में जो है गाड़ी एकदम ईजी स्टार्ट हो जाएगी, और ईजी स्टार्ट होने का मतलब है कि एक नॉर्मली जो हमारे गैरेज के स्टाफ है उसने गाड़ी को एक किक में स्टार्ट कर दिए हैं, इससे स्टार्टिंग इतना बढ़िया हो जाती है। Turbo ya, Pak?